नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल एज ए ट्रेडर्स में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 28 फरवरी को और एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया था 7 डेज पहले, जो वीडियो था न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आपको न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में 2 वीक पहले क्या हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में चेक कर सकोगे कि एवरी डे बैंक निफ्टी गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप ओपन हो रहा है। ज़्यादातर वो गैप डाउन ओपन हुई है और लास्ट फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ था। दोस्तों, लास्ट 18 दिन से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और आज सुबह में मैंने जब 8 बजे न्यूज़ देखा तो एक नया न्यूज़ निकल के आ रहा है, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। जो इराक ने अरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया है 12 मिसाइल से। तो ये और एक नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों मार्केट के लिए। अभी हमें ये देखना है कि अमेरिका इसके ऊपर क्या रिएक्शन करता है, क्या वो एक्शन लेता है या एक्शन नहीं लेता। अगर एक्शन लेता है तो मार्केट और नीचे गिरने वाली है फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, मैंने वीडियो इसलिए मैं लास्ट 2 वीक से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मार्केट में न्यूज़ बेस पे मार्केट चल रही है और जब मार्केट न्यूज़ बेस पे चलती है तो हमें न्यूज़ को ही फॉलो करना होता है, इसमें कोई हमारा सेटअप नहीं चलता। और जब गैप डाउन ओपन होता है तो हमें उसमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, जब प्राइस एक्शन बनती है उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। ओके, तो चलो देखते हैं आप मंडे को यानी सोमवार को बैंक निफ्टी के ऑप्शन में क्या हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने जो लेवल दिया है वह आगे का लेवल मैंने दिया था आपको, उसको मैं आज रिमूव कर देता हूँ। अब हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में मंगल सोमवार को क्या होगा। जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही नेगेटिव उसके हिसाब से मुझे लगता है बैंक निफ्टी माइनस में ओपन होगी। कहाँ से ओपन हो सकता है? हो सकता है ये गैप जो पड़ा है वो गैप फिल हो जाए 33,970। और दूसरा पॉसिबिलिटी हमारी क्या रहेगी कि यहाँ पे 37,300 के आसपास ओपन होती है। अगर फ्रेंड्स ये नेगेटिव ओपन होती है 34,300 और 33,970 के बीच में और वहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा 1 आवर्स हाफ आवर्स डेढ़ आवर्स का और उसमें जब ऊपर का लेवल या डाउन का लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें बाई कर सकते हो कॉल या पुट। अगर ब्रेक होती है 33,970 तो हमारा पहला टारगेट डाउन के साइड में आएगा फ्रेंड्स 33,600। भाई इसको क्या वाक्य नहीं चल रहा है, ट्रेंड लाइन हुआ। ओके, एक ही जगह पे बहुत सारा हो गया है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ओके, ये हमारा पहला टारगेट आएगा गैप डाउन ओपन होने के बाद 33,650 और अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो डाउन के साइड पे और जाएगा फ्रेंड 33,300 और अगर अपसाइड में ये ब्रेक करेगा जिसके पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है फिर भी मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ फ्रेंड्स 34,600 पहला लेवल रहेगा ऊपर की साइड में और सेकंड लेवल रहेगा हमारा 34,800 के पास। ओके, चलो तो मैं इसको अभी मैं मार्क कर लेता हूँ प्राइस लेवल, उसका मार्क कर लेता हूँ 33,900 और ये रहेगा हमारा 34,300। ये लेवल हमारा रहेगा फ्लैट जोन जैसा, हम ड्रो कर लेते हैं इसको कि यहाँ पे ओपन होता है तभी ये लेवल हमारा काम करेगा। ओके, ये जो मैंने लेवल दिया है उसको अगर यहाँ पे ओपन होता है उसके बाद कहाँ पे ये कब ये ट्रेंड को
ब्रेक करेगा उसके ऊपर हमारा पूरा डिपेंड रहेगा फ्रेंड्स। अगर 33,980 ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में पहला लेवल आएगा हमारा 33,650 और दूसरा लेवल आएगा डाउन की साइड में 33,250। और अगर ऊपर की साइड में यहाँ पे ओपन होने के बाद 34,300 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आएगा 34,600 और सेकंड टारगेट आएगा उसका बैंक निफ्टी में 34,800। चलो निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये पूरा लेवल में निफ्टी का निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। निफ्टी में मैंने फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे एक लेवल लिया था कि अगर निफ्टी 15,937 निकलती है तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 16,135, वो उसने अचीव कर लिया। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा आईडी है sjtraders969। ओके, वहाँ पे मैं आपको हो सके तो मैं लीन में क्या प्राइस एक्शन बनते हैं उसके हिसाब से मैं आपको लेवल प्रोवाइड करूँगा फ्री में। ओके चलो मैं पूरा उसको निकाल लेता हूँ। अभी हम देखते हैं निफ्टी में क्या होगा। निफ्टी में भी मेरे ख्याल से मंडे को गैप डाउन ही ओपन हो सकता है। अगर फ्रेंड्स ये गैप डाउन यहाँ पे होता है कहाँ पे 16,000 उसका क्लोजिंग हुआ है 16,460 तो 16,004 ये एक लेवल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर माइनस ओपन होता है 16,422 पे और अगर उसको ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट आएगा यहाँ पे 16,329 और दूसरा टारगेट आएगा हमारा डाउन के साइड में 16,150 और तीसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 15,930। एक कंडीशन हमारी यही है कि यहाँ पे ओपन होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ फ्रेंड्स उसको यहाँ तक। और ये लेवल कौन सा आएगा हमारा 16,500। अगर यहाँ पे ओपन होके ये अपसाइड या डाउन साइड में लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा ये लेवल आ सकता है। अभी अपसाइड में कौन सा लेवल आएगा हमारा पहला 16,500 ब्रेक करेगा 16,576 और दूसरा टारगेट आएगा हमारा 16,650। चलो इसका लेवल मैं मार्क कर लेता हूँ प्राइस लेवल। ये हमारा लेवल आएगा 16,400 राउंड फिगर पकड़ लेने का फ्रेंड्स और दूसरा 16,500 यहाँ इसके बीच में ऊपर होना चाहिए और डाउन की साइड में ये 16,400 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा उसका, पहला टारगेट आएगा ओके छोड़ो तो पहला टारगेट 16,400 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा 16,350। ये रहेगा हमारा 330 आएगा, दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आएगा 16,150 और तीसरा टारगेट आएगा डाउन की साइड में 15,900 और अपसाइड में अगर 16,500 ब्रेक करेगा तो उसका पहला अपसाइड में आएगा 16,576 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 16,650। देखो अभी ये आ गया, प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है, अभी वो ये डाउन के साइड में हो गया, ये अपसाइड का हो गया, ये इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, इसको भी निकाल लेता हूँ, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं, अभी ये आ गया, ये हमारा प्राइस एक्शन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया फ्रेंड्स। ओके डाउन साइड का भी और अपसाइड का भी। ओके फ्रेंड्स ये लेवल मैंने दिए आपको निफ्टी 50 के। अगर फ्रेंड्स किसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अभी थोड़ा टाइम वेट कर लो, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में मार्केट का माहौल है वार का, वो अगर कंटिन्यू हुआ तो मार्केट और नीचे गिरने वाली है, तो आपको वहाँ पे आपको ज़्यादा लो प्राइस में स्टॉक आप बाय कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।